मेरे किरदार का नाम है शेख मुनीर, जो मुसलमान होते हुए भी वो एक हिंदू गैंग में शामिल हो जाता है। मनिया सुरवे से उसकी मुलाकात जेल में होती है। कैसे ये दोनों एक गैंग बनाते हैं, क्या होता है इस गैंग के साथ 70s से लेकर 82 तक, जब मुंबई पुलिस हिस्ट्री में सबसे पहला इनकाउंटर हुआ था और इतिहास बदल गया था उस इनकाउंटर के बाद। तो शेख मुनीर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इस गैंग का, मनिया सुरवे की गैंग का, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, ग्रे शेड है इस कैरेक्टर में। हंसी मजाक भी करता है, अग्रेसिव भी है, खुश मिजाज भी है, गाने भी गाता है, लेकिन क्रिमिनल भी है, अपना दिमाग भी यूज़ करता है, लेकिन कभी कभी स्टम्बल भी कर लेता है, कभी कभी गलती भी कर लेता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। थिंक आई कांट कंपेयर, क्योंकि माया डॉलिस, दिलीप हुआ, बहुत ही अलग कैरेक्टर्स थे, और मनिया सुरवे एक डिफरेंट कैरेक्टर है टोटली। मनिया सुरवे इज़ डेफिनेटली मच मोर लार्जर देन लाइफ। आई थिंक जो रियल मनिया सुरवे थे, आई थिंक उससे हट कर हमने इस कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा लार्जर देन लाइफ बनाया है संजय गुप्ता जी ने। आई थिंक दैट इज़ एक खासियत है शूटर है बडाला की। या इस फिल्म का एक्शन जो है वो भी, मतलब यू विल नॉट सी अननेसेसरली कार्स फ्लाइंग एंड मतलब कि जो एक अनबिलीवेबल एक्शन होता है, इट्स डेफिनेटली स्टाइलिश बट बहुत बिलीवेबल एक्शन है। जो मतलब कि आपको ऐसी फिल्म में घायल घातक में एक्शन दिखाया गया था, उससे तो ऑफकोर्स डेफिनेटली मतलब कंपेयर करना सही नहीं होगा। वो 90s की फिल्म थी, ये 2013 की फिल्म होगी।